वैसे तो दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम एक ऐसी मूवी है जो मार्वल सिनेमैटिक मूवीज की हिस्ट्री में सबसे औसम मूवी है, और उसमें एक से एक ऐसे सीन है जो हम लोग को एकदम शॉक करके रख सकते हैं। वैसे तो एंड गेम देखने के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैसे कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हैमर उठा लिया। क्योंकि जैसा कि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था, जब सारे एवेंजर्स बारी बारी से थॉर का हैमर उठाने की कोशिश कर रहे थे तो कैप्टन अमेरिका भी आए थे, और कैप्टन अमेरिका के हैमर थोड़ा सा हिलाने से ही थॉर घबरा गया था कि कहीं कैप्टन अमेरिका उसका हैमर उठा ना ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पूरी मूवीज में अगर थॉर का हैमर को उठाया है तो वो सिर्फ तीन लोग हैं, ओडिन क्योंकि वो तो हैमर बनाए ही हैं, और विजन क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तीसरा हेला जो कि थॉर की बड़ी बहन है और म्योनिर की पहली वील्डर। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे कि जब थैनोस थॉर पे हमला कर रहा था तो अचानक कैप्टन अमेरिका के पास कहाँ से ऐसी वर्दीनेस आ गई कि वो थॉर का हैमर उठा पाए, और थॉरी की तरह बिजली का देवता भी बन गया। यानी उसने हैमर ही सिर्फ नहीं उठाया बल्कि थॉर की तरह लाइटनिंग भी स्ट्रक की थेनोस के ऊपर। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? कुछ जो नए फैंस हैं उनका ये कहना है कि जैसे ही थॉर पे हमला होने लगा, म्योदिन ने कैप्टन अमेरिका को खुद ही सेलेक्ट कर लिया एज वर्थी, इसलिए कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हैमर उठा लिया। दूसरे फैंस का ये कहना है कि हो सकता है उस समय म्योनिर ने अपना एन्चेंटमेंट ही हटा दिया वर्दीनेस का, इसलिए कैप्टन अमेरिका क्या कोई भी वहाँ पे ह्यूमन बींग होता तो वो हैमर उठा लेता। लेकिन असल बात कुछ और है। असल बात यह है कि एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका उस समय वर्दी हो गए थे, क्योंकि जब एज ऑफ अल्ट्रॉन का समय था तो कैप्टन अमेरिका वर्दी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा राज छुपाया था टोनी से। वो राज ये था कि जो टोनी के पेरेंट्स हैं उनको बकी ने मारा है। ये कैप्टन अमेरिका बहुत साल पहले से जानते थे लेकिन उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया इसे। लेकिन जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स पे जेमो ने टोनी स्टार्क को उसकी फुटेज दिखाई कि कैसे बकी ने उसके पेरेंट्स को मारा है, और ये भी बताया कि कैप्टन ऑलरेडी जानते थे कि टोनी स्टार्क के पेरेंट्स को बकी ने मारा है, तो कैप्टन अमेरिका ने वो बात एक्सेप्ट की टोनी स्टार्क के सामने। बाद में जब कैप्टन अमेरिका ने अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर ली तो उसकी वर्दीनेस उसके पास आ गई। यानी अगर सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद, चलिए ले लेते हैं इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स, अगर थॉर अर्थ पे आता और उसके पास उसका म्योनिर रहता तो अगर वो कैप्टन अमेरिका को बोलता उस समय म्योनिर उठाने को, तो कैप्टन अमेरिका आराम से उसका म्योनिर उठा लेते। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हैमर उठाया तो चलिए ठीक है, लेकिन कैप्टन अमेरिका गॉड ऑफ थंडर नहीं है बल्कि थॉर गॉड ऑफ थंडर है, तो कैप्टन अमेरिका ने लाइटनिंग कैसे स्ट्रक की थानोस के ऊपर? तो इसका आंसर भी उस म्योनिर में लिखा हुआ है। म्योनिर में ये लिखा है ओडिन के थ्रू कि अगर जो भी इस हथौड़े को उठाएगा उसके अंदर थॉर की शक्तियाँ आ जाएगी। यानी कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अगर वो वर्दी है उस हथौड़े को उठाता है तो उसके अंदर थॉर की पावर आ जाएगी, यानी उसके अंदर भी लाइटनिंग को कंट्रोल करने की पावर आ जाएगी। ऐसा सेम कैप्टन अमेरिका के साथ हुआ। कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हैमर तो उठा लिया और साथ ही साथ उस हैमर की शक्ति से लाइटनिंग को भी कंट्रोल करके थानोस के ऊपर अटैक किया, और दोस्तों इसी वजह से कैप्टन अमेरिका ने टाइम ट्रेवल करके थॉर का हैमर भी वापस उसी टाइम जोन में रखा जिस टाइम जोन से वो इन्फिनिटी स्टोन्स लाए थे। अगर कैप्टन अमेरिका उस समय वर्दी ना होते तो थॉर को खुद जाना पड़ता अपना हैमर पास्ट में रखने, नहीं तो पास्ट वाले थॉर का होता क्या, वो बिना हैमर के कैसे आगे की स्टोरी कंटिन्यू करता? तो दोस्तों इस छोटे से एक्सप्लेनेशन से आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैप्टन अमेरिका ने थॉर का म्योनिर उठा लिया। दोस्तों अभी तो ये क्वेश्चंस की शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने बाकी हैं, उनके सॉल्यूशंस आने बाकी हैं एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड। दोस्तों आपकी अपनी क्या थ्योरी थी जब कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हैमर उठाया, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।